डाउट होता है, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, पूछ लीजिए, ठीक है। चलो चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नौवीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा नौवीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया है अध्याय वन, कक्षा नौवीं का अध्याय वन, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, संख्या पद्धति में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ा था पूर्णांकों पे संक्रियाएं। और पूर्णांकों पे संक्रियाएं, संक्रियाएं सभी बच्चों को पता है कौन कौन सी होती है? भागा, गुणा, जोड़, घटा। जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये क्या कहलाती है? संक्रियाएं कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांकों पे संक्रियाएं, जिसमें हम लोग सबसे पहला संक्रियाएं सीखा था गुणा। सबसे पहले संक्रियाएं कौन सा सीखा था? गुणा सीखा था। और गुणा में हम लोगों ने क्या सीखा था? चलो वो भी सीख लेते हैं कि जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, मतलब कि समान चिन्ह वाले को गुणा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? चैट बॉक्स में हमने क्या सीखा था कि जब दो धनात्मक चिन्ह वाले धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है? जल्दी बताएं बच्चे, चार रूप में पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। तो हमने इसको ऐसे भी याद रखा था कि अगर एक जैसा चिन्ह समान चिन्ह वाले को गुणा करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या है, ये दोनों के दोनों समान चिन्ह वाले हैं, यानी समान चिन्ह वाले को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? समान चिन्ह वालों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें हमेशा देखो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, धनात्मक का चिन्ह मिल रहा है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर असमान चिन्ह, ये क्या है हमारा? असमान चिन्ह, ये क्या है हमारा? असमान चिन्ह। अगर असमान चिन्ह को हम लोग गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। हमें ऋणात्मक मतलब निगेटिव प्राप्त होगा, हमें ऋणात्मक मतलब निगेटिव प्राप्त होगा। असमान कहने का मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक धनात्मक संख्या हो एक ऋणात्मक संख्या हो, उन दोनों गुणा करेंगे क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। सबसे सरल क्या है? एक जैसे, अगर एक जैसे को गुणा करेंगे हमेशा हमेशा प्लस मिलेगा, अलग अलग वाले को गुणा करेंगे तो हमेशा 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 क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। समझ आया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट कीजिए। आगे समझ में ना? चलो तो क्या करते हैं, एक दो प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। चलो जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आपको बतानी है कि 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो चिन्ह के साथ बतानी है आपको, चिन्ह के साथ बतानी है, चिन्ह के साथ बतानी है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, चलो ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 10 का है कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। 5 का है कुछ नहीं है तो क्या है? क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और हमें पता है प्लस का गुना पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव के साथ, धनात्मक का गुना धनात्मक के साथ, मतलब देख पा रहे होंगे यहाँ पे समान चिन्ह है। क्या है? समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा प्लस प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चिन्ह मिल गया? हमें चिन्ह मिल गया प्लस का। और उसके बाद तो सबसे सरल होता है, 10 को 5 से गुना करेंगे कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। और हमें पता है कि प्लस 50 को हम लोग ऐसे सिंपल 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 के आगे प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी वो हमें धनात्मक संख्या ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे चलो दूसरा सवाल बताएंगे, सारे बच्चे दूसरा प्रश्न बताएंगे। दूसरा प्रश्न है -10 × -5, चिन्ह के साथ उत्तर करना है सारे बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखो इसका है कौन सा चिन्ह है? इसका है माइनस का, ऋणात्मक का चिन्ह, निगेटिव का चिन्ह। फिर इसका इसका है किसका चिन्ह? इसका भी आगे है हमारा निगेटिव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह। और हमें पता है कि ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक के साथ करते हैं तो हमेशा प्लस का चिन्ह मिलता है, मतलब समान चिन्ह। देखो कैसे चिन्ह है? समान, एक जैसे चिन्ह है। तो एक जैसे चिन्ह का जब गुना करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? धनात्मक का चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब एक जैसे को गुना किया तो हमें मिल गया पहला चिन्ह क्या? धनात्मक। उसका 10 को 5 से करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, है ना? ठीक उसी बार चलो तीसरा प्रश्न बताएंगे सर बच्चे, चलो जल्दी बताएंगे तीसरा प्रश्न। -10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा?
बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखो कैसे, चलो तो देख लेते हैं, ध्यान दो। इसका कोई चिन्ह कौन सा चिन्ह है? इसका आगे चिन्ह है माइनस का, धन ऋणात्मक का। और इसका क्या चीज का चिन्ह है? इसका आगे चिन्ह है धनात्मक का। कोई चिन्ह नहीं रहता तो कौन सा चिन्ह होता है? धनात्मक का। अब आप ध्यान से देखोगे कि किस प्रकार का चिन्ह है, ये असमान चिन्ह है। ये किस प्रकार चिन्ह है? असमान चिन्ह। और समान चिन्ह का मतलब होता है कि जो एक जैसे ना हो। तो असमान चिन्ह को जब भी गुणा करते हैं हमें हमेशा कैसा चिन्ह प्राप्त होता है? निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। कैसा चिन्ह प्राप्त होता है? निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। यहाँ हो गया निगेटिव, आप फिर 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 10 पचे 50, 10 पचे 50, तो -50 हो गया है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार चलो इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 को बताओ सब बच्चे, क्या मिलेगा प्रश्न संख्या 4 में हमें क्या मिलेगा? बहुत नहीं, बहुत नहीं। देखो 10 का कुछ नहीं तो क्या है? 10 का कुछ नहीं है तो क्या है? जोर का चिन्ह है। 10 का कुछ नहीं है तो क्या है? जोर का चिन्ह है। और जोर को हमें किसके साथ गुना करना है? माइनस के। देखो 5 का कुछ नहीं है तो क्या है? माइनस से, तो माइनस से गुना करेंगे। तो दो असमान चिन्ह को गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो असमान चिन्ह को गुना करेंगे तो हमें हमेशा माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा। यानी यहाँ माइनस हो गया, और 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -50 मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WYW कर दो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया ना? एक जैसे चिन्ह होगा तो हमेशा प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा माइनस आएगा, है ना। चलो ये था आपका दो अंकों वाला गुणा। ठीक, किसी प्रकार का हमें बोल दिया जाए, तीन अंक दिया जाए, तीन संख्या दिया जाए, उनको गुणा किया जाए तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो चलो सबसे पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पे है, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे चार बॉक्स में। बताएंगे सर बच्चे, जब इन प्रकार के संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? जल्दी करेंगे। सभी बच्चों को तीन चीजें ध्यान देना है। सबसे पहला प्लस का गुणा, प्लस प्लस होता है तो हमेशा प्लस आता है, माइनस माइनस से गुना होता है तो हमेशा माइनस प्लस आता है, और प्लस माइनस से गुना होता है तो हमेशा माइनस आता है। तो इस बात पे हमेशा सारे बच्चों को ध्यान देना है, इस बात पे हमेशा सारे बच्चों को ध्यान देना है, ठीक है। कि प्लस प्लस का गुना होगा तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस ही आएगा, प्लस माइनस होगा तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं। चलो देखो, चलो इसका मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, इसका एक मैं एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से कीजिएगा। इसका मैं पहले आपको एक तरीका बताता हूँ, उस बच्चे ध्यान देंगे फिर करेंगे। चलो तो सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है, साइन का मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह का गुना करना है ना। चलो देख लेते हैं। देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? इसके आगे चिन्ह है माइनस का। इसका कौन सा चिन्ह है? इसका कौन कोई भी चिन्ह नहीं है, किस चीज का चिन्ह हो गया? प्लस का। इसका किस चीज का चिन्ह है? इसका आगे चिन्ह है माइनस का। तो हमें इन चिन्ह को पहले गुना करना है, इन चिन्ह को पहले हमें गुना करना है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चलो मैं एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। पहले हमें चिन्ह का गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका कौन सा चिन्ह है? इसका आगे चिन्ह है माइनस का। इसका कौन सा चिन्ह है? इसका चिन्ह है प्लस का, ठीक है। इसका आगे कौन सा चिन्ह है? इसके आगे चिन्ह है हमारा माइनस का। तो सबसे पहले हम लोग किसका चिन्ह, किसका गुना करेंगे? तीन का गुना करेंगे। अब चिन्ह का गुना किस प्रकार से होता है, चलो दिखाते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले हम इन दोनों का गुना कर लेते हैं, फिर हम इसे कर देंगे। तो बताओ माइनस और प्लस का गुना असमान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? हमें हमेशा माइनस ऋणात्मक मिलता है। क्या मिलता है? ऋणात्मक मिलता है। तो यानी हम इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। और गुने क्या बच्चा है यहाँ पे, देखो गुना है बच गया है ऋणात्मक। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दो सर बच्चे, ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने इन दोनों को गुना किया। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ऋणात्मक को धनात्मक के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि एक जैसे नहीं अलग अलग है, यानी अलग अलग गुना करते हैं तो हमें हमेशा ऋणात्मक निगेटिव प्राप्त होता है। अब देखो निगेटिव को किससे गुना करना है, आगे क्या है? निगेटिव है। अब देखो दोनों एक जैसे चिन्ह हो गए, अब ये दोनों एक कैसे चिन्ह हो गए? एक जैसे चिन्ह। जब एक जैसे चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? तो पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होगा। इससे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोगों ने किसका गुना कर दिया? चिन्ह का गुना कर दिया। तो कौन सा चिन्ह मिलेगा हमें? हमें पॉजिटिव का चिन्ह मिलेगा।
यानी कभी भी प्रश्न आप कितना भी बड़ा प्रश्न सॉल्व करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, चिन्ह का गुणा करना है। तो हमें इसका मतलब ये, हमें हमें यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह मिला, पॉजिटिव का। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या बच गया, अंक का गुणा करना। तो एक अंक यहाँ 5, दूसरा है 3 और तीसरा है 2, तो गुणा गुणा करते हैं, 5 × 3 × 2 बताओ कितना होगा, 5 × 15 × 2 = 30 प्लस 30 कितना होगा, प्लस 30 आगे समझ में यहाँ तक। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, चलो एक और प्रश्न आपके नीचे उदाहरण दो, आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से चीन के साथ आपको उत्तर बताना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उत्तर सही कर। चलो चलो ध्यान देंगे, देखो मैं बता दूं, ध्यान दो, देखो इसका है कुछ नहीं तो क्या है, इसके आगे हमारे पास है माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह, गुणे, इसका है कुछ नहीं तो क्या है, माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह, फिर इसका है कुछ नहीं तो क्या है, ऋणात्मक का चिन्ह है, चलो माइनस का चिन्ह। तो एक एक करके पहले दो दो का गुणा करते हैं, पहले हम क्या करते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं, जब इन दोनों का गुणा करेंगे देखो एक ही जैसा चिन्ह है, हमें क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। देखो माइनस माइनस से गुणा करते हैं क्या मिलता है, प्लस मिलता है, एक ही जैसे गुणा करते हैं क्या मिलता है, प्लस मिलता है, फिर प्लस को किससे गुणा करेंगे, माइनस का। अब देखो ये अलग अलग चिन्ह हो गया, तो हमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, प्लस का माइनस का मतलब अलग अलग चिन्ह हो गया, देखो प्लस का गुना माइनस का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा माइनस मिलेगा। यानी जब एक ही जैसे चिन्ह को गुना करते हैं तो प्लस मिलता है, अलग अलग चिन्ह को गुना करते हैं तो माइनस मिलता है। इस प्रकार यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। अब क्या करेंगे, अंक को गुना करते हैं, चलो अंक को गुना कर लेते हैं, तो अंक कौन सा है, 1 4 है, 1 5 है, 1 3 है, तो 5 × 20 = 60 यहाँ हो जाएगा -60। आगे समझ में, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। आगे ना समझ में, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे। चलो एक प्रश्न यहाँ पे है, -2 × -3 × -2 × 2। चलो सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। चलो सिर्फ चिन्ह बता दो कौन सा चिन्ह होगा, चिन्ह बता दो कौन सा चिन्ह आएगा इसका, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उत्तर सही कर दो। चलो मैं बता दू, ध्यान दो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत, देखो माइनस इसका कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसका कौन सा चिन्ह है, इसका आगे है माइनस का, ठीक है। ठीक इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे भी है माइनस का चिन्ह, ठीक उसी प्रकार इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे चिन्ह है प्लस का, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, है ना। अब हमें क्या करना है, चलो गुना करते हैं, तो हमें पता है दोनों को, देखो माइनस माइनस का पहले एक साथ गुना कर लेते हैं, तो माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो कौन सा मिलेगा, प्लस मिलेगा, फिर हमारे पास कौन सा बच गया, एक बच गया माइनस, फिर बच गया प्लस, फिर दो को करेंगे, फिर दो को करेंगे, चलो इन दोनों गुना करते हैं तो एक जैसे चिन्ह नहीं है तो क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा, और यहाँ क्या बन जाए, यहाँ मिल गया हमारे पास, चलो बताओ सर बच्चे, यहाँ मिल गया हमारे पास प्लस का, तो फिर एक जैसे चिन्ह नहीं है तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस मिल जाएगा। तो कौन सा चिन्ह आएगा, ध्यान से करेंगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो जब भी अगर आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको इसी प्रकार से चिन्ह का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जब चिन्ह आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अंक का गुना कर लेते हैं, देखो 2 आ गया 3 आ गया 2 आ गया 2 आ गया, गुना करते हैं 3 × 6 6 × 12 12 × 24, तो माइनस का 24। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, अगर नहीं आया तो एन टाइप कर दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, आगे समझ में ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और सारे बच्चों को पहले इस प्रश्न का उत्तर जो है कॉपी में करनी है, फिर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले कॉपी में बनाएंगे इसको, फिर इसका उत्तर आपको कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो मैंने अभी पोल सेक्शन लंच नहीं किया है, पहले आप इसको कॉपी में सॉल्व करो, क्योंकि गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होने चाहिए, ठीक है। पहले कॉपी बनाओ, कॉपी पे ही ऑप्शन लिखो, फिर जाकर आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर करो, ठीक है। चलो जल्दीबाजी नहीं है किसी बच्चे को, जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आनी चाहिए। चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, जिनको भी पोल सेक्शन में उत्तर देने में परेशानी हो रही है, वो बच्चा क्या करेगा, माइक ऑन करेगा अपना, बोल देगा कि सर मुझे नहीं आता, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। 19 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में किया है, बाकी बच्चे अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किए हैं, जल्द से करेंगे। जिन जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, जिन जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे, नहीं तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है। चलो 12 बच्चों ने कर दिया, 18 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने ही अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अपना माइक ऑन करना है और बोल देना है सर बता दो पोल सेक्शन किस प्रकार से आती है, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 14 बच्चों ने कर दिया 18 बच्चों में से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों को मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं भी आता है, वो बच्चों को बोल देना है माइक ऑन करके, सर मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि हाँ इस बच्चे के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर देने चाहिए, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो क्या बोला गया, -17 × 9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, 17 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह। तो माइनस प्लस मतलब देखो एक असमान, अलग अलग जैसे है अलग चिन्ह के हैं, एक समान नहीं है, असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह के हैं, तो जब इनको गुना करेंगे तो हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। और उसका चिन्ह चिन्ह नाम से बच्चे जाते हैं, अपना माइक ऑफ रखिए, अनुष्का नाम से जो भी बच्चे जानकी बाबू अपने माइक ऑफ रखिए, ठीक है। अगर आप माइक ऑन करते हैं मैं आप क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ध्यान देंगे, चलो यहाँ ध्यान देंगे। देखो तो प्लस माइनस को जब हम लोग गुना करेंगे, असमान चिन्ह को जब हम गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका कौन सा चिन्ह होगा, इसका होगा माइनस चिन्ह। अब रही बात की 17 को 9 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 7 9 8 63, 6 9 1 9 6 15, कितना हो जाएगा 153, कितना हो जाएगा 153, कितना हो जाएगा 153, -153। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ जाकर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के भी उत्तर किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे इस प्रश्न के उत्तर, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, 12 × -11। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका कॉपी में ही ऑप्शन लिखिए, फिर इसका उत्तर जाकर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में दीजिए, ठीक है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से कॉपी में थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए, ठीक है। चलो ये याद रखना कि अलग अलग चिन्ह का जब भी गुना होता है तो हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह आता है, निगेटिव का चिन्ह आता है, जब एक जैसे चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा धनात्मक का चिन्ह आता है, पॉजिटिव का चिन्ह आता है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
ठीक है चलो, 17 बच्चों में से 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न में उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे अभी भी इस प्रश्न में उत्तर नहीं किए। लास्ट 40 सेकेंड, आराम से चलो सही, आराम से सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी में ही इसका ऑप्शन लिखो और इसका उत्तर कहाँ जाकर दो, कॉल सेंटर। ठीक है, आयुष पांडे नाम से जो भी बच्चे जानते हैं, आपको कोई डाउट है, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं डाउट है तो अपना माइक ऑन मत किया करो, माइक ऑन करने से क्या होता है ना, क्लास डिस्टर्ब होती है। सर चलो, हमारा फोन सेक्शन नहीं दिख रहा। आपके मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन आती है, आपके मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन आती है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना क्या करता हूँ, स्क्रीन ऑफ करता हूँ और मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो बच्चे ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो, मेरे मोबाइल के स्क्रीन में जिस प्रकार मेरा मोबाइल का स्क्रीन होगा, ठीक उसी प्रकार आपका भी मोबाइल का स्क्रीन होगा। ठीक है, चलो तो देखो, इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, हमको देखो एक ऑप्शन नीचे दिख रहा है एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, पोल 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन से जिसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से वोट कर देंगे। आगे समझ में, चलो आगे होगा समझ में आपको, जिन बच्चों के मोबाइल में एक्टिविटीज नहीं आ रही थी वो बच्चे ध्यान देंगे। आयुष पांडे नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपके मोबाइल में आ गया अभी, दिखने लगा अभी आपको पोल सेक्शन, अगर अभी भी नहीं दिख रहा होगा तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया बहुत। चलो 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी जिन बच्चों ने किया इस, वो बच्चे जल्द से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेता हूं, 5 4 3 2 1। ठीक है चलो देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, 12 गुने -11। सबसे पहले क्या, 12 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, -11 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो प्लस का गुना माइनस साथ करेंगे, अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा माइनस आता है, इसका मतलब जब हम इसे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब क्या करेंगे, 12 को 11 से गुना करते हैं, चलो गुना करते हैं, तो पहले 1 से करो, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, फिर 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, चलो इसको जोड़ दो, 4 4 2, चलो इसमें अच्छे से करता हूँ, 4 4 2, यानी 244, सॉरी यहाँ पे 242, 2 2 2 4 2, कितना होगा, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गलत किया। ठीक है, 12 है ना कि 22, 12 है ना कि 22 है, देखो, तो 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, अब इसको जोड़ो, अब इसको देखो, 2 3 1, कितना होगा, 132, ये हो जाएगा माइनस का 132। हमने सोचा वहां 22 नहीं, वहां पे 12 था, तो 12 का गुना जब हम 11 के साथ करेंगे कितना आएगा, -132। अगर आपको ये प्रश्न आसानी समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WYTF कर दो, और आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो अब आते हैं बात कि आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लेते हैं हम लोग, पूर्णांकों के संक्रियाएं में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लेते हैं, और वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट कौन सा है, चलो ध्यान दीजिएगा सर बच्चे, वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये है कि अगर दो चिन्हों के बीच कोई संख्या नहीं होती है तो उनको गुना कर देते हैं। जैसे कि मान लो, देखो ये मान लो यहाँ पे -10 है ना, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसे क्या है, प्लस है। तो आप बताओ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सर बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, प्लस कोष्टक -10 कितना होगा, माइ। चलो इसके आगे, इसके पहले आपको ये सीख लेना है कि हमने क्या सीखा है कि प्लस प्लस का गुना करते हैं तो प्लस मिलता है, माइनस माइनस से गुना करते हैं तो प्लस मिलता है, प्लस माइनस से गुना करते हैं तो हमेशा माइनस मिलता है, ये सीख लेना है ना। ठीक उसी प्रकार देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं होती है, इसे कोष्टक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तो प्लस माइनस और समान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, तो क्या मिल जाएगा,
माइनस मिल जाती है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस दस, ये क्या बन जाएगा माइनस दस, समझ में आ गया। चलो ठीक, उसी प्रकार सर्वोच्च बताएंगे माइनस ऑफ माइनस 70। अब बताओ सर्वोच्च क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सर्वोच्च माइनस कोष्टक माइनस 70 क्या प्राप्त होगा हमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें पता है देखो माइनस से गुना माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 70, ये बन जाएगा क्या प्लस 70। ठीक उसी पर चलो और बहुत ही बड़ा सा सवाल देते हैं, बहुत ही बड़ा सवाल देते हैं 60, चलो इधर कर लेते हैं माइनस और अंदर कर लेते हैं प्लस 170। अब बताओ सर्वोच्च क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सर्वोच्च हमें क्या मिलेगा, सारे बच्चे बताएंगे अब हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया बताओ, ध्यान दो, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, असमान है, अलग अलग चिन्ह है, जब अलग अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है माइनस मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 170 है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक और भी बहुत ही अच्छा सा सवाल, एक बहुत ही अच्छा सवाल, चलो प्लस प्लस 60। अब बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा, अब बताओ सारे बच्चे हमें क्या मिलने वाला है, अब बताओ सारे बच्चे हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से करेंगे उसका उत्तर। देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस से गुना होता है हमें क्या मिलता है प्लस मिलता है, तो ये हो जाएगा प्लस 60। अगर आपको ये समझ में आ गया कि अगर दो कोष्ट दो चिन्ह के बीच में, पहला चिन्ह देखो ये हो गया माइनस, दूसरा भी माइनस, इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं थी तो हम क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं, इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं थी तो क्या करते हैं इसको हम गुना कर देते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूं, जब दो चिन्हों के बीच कोई भी संख्या नहीं होती है तो उसे हम लोग गुना कर देते हैं, जब दो चिन्हों के बीच कोई भी संख्या नहीं होती है तो उसे हम लोग गुना कर देते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो, आ गया समझ में। चलो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो आप आसानी से पूर्णांकों का जोड़ भी सीख लोगे, पूर्णांकों का जोड़ योग भी सीख लोगे। चलो तो देखो इसमें हम लोग जिस प्रकार गुणा का सीखा था ठीक उसी प्रकार हम लोग जोड़ का भी सीखेंगे। देखो गुणा का भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक धनात्मक का देखा था, ऋणात्मक देखा था और एक धनात्मक एक ऋणात्मक का देखा था है ना। जिस प्रकार हमने गुणा देखा था दोनों का दोनों धनात्मक हो जाए, दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाए, एक धनात्मक हो जाए एक ऋणात्मक हो जाए, कहने का मतलब कि दोनों धनात्मक मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों निगेटिव हो जाए, और या दोनों एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, या एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, इनका जोड़ देखना है। जहां पे गुना हो रहा था वहां पे क्या करना है हमें जोड़ना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जहां पे गुना हो रहा था वहां पे क्या करना है जोड़ना है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्दी से आप एक बार चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में आई टाइप कर दो, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सीखना चाहते हैं ना सर बच्चे सीखना चाहते हैं ना, चलो बहुत बढ़िया बताऊँ। चलो तो सीखने से पहले सबसे पहला दो कंसेप्ट याद रखना है, वो सीखने से पहले आपको दो कंसेप्ट याद रखना है। चलो बताते हैं कौन कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट है कि अगर दो पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उसको हमेशा जोड़ते हैं, उसको हमेशा जोड़ते हैं, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों का समान होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कि प्लस 40 इसका चिन्ह प्लस में है जोर प्लस 60, तब देखो ये दोनों जो पूर्णांक है पहला पूर्णांक है प्लस 40 दूसरा पूर्णांक है प्लस 60, तो इनका दोनों का चिन्ह समान है, हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद किसका चिन्ह होगा, जोड़ने के बाद चिन्ह होगा जो पूर्णांक का चिन्ह है, पूर्णांक का चिन्ह क्या है प्लस में, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर किसमें आएगा प्लस में ही आएगा, ये हो गया। अब रही बात कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर क्या पूर्णांक हमेशा प्लस में ही रहते हैं, माइनस में तो होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं कि दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक हो जाए माइनस 40 जोर माइनस 40 है ना। देखो दोनों का चिन्ह समान है, ये भी माइनस 40 ये भी माइनस 40, तो अगर दोनों का चिन्ह समान हो तो उसे हमेशा 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 जोड़ते हैं, दोनों का चिन्ह अगर समान हो तो उसे हमेशा 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 जोड़ते हैं। देखो इसको जोड़ेंगे तो माइनस 40 माइनस 40 जोड़ेंगे, बाद में बताएंगे किस प्रकार से जोड़ते हैं। अभी अगला आपको समझ में आ गया ना कि अगर दोनों का चिन्ह समान हो, देखो ये प्लस प्लस वाला था फिर भी जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस वाला था फिर भी हम इसे जोड़ेंगे, यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को। अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चार बॉक्स में डबल वाइट कर दो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चार बॉक्स में डबल वाइट कर दो,
चलो ये समझ आएगा ना कि अगर दोनों चिन्ह समान तो जोड़ेंगे, लेकिन 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 एक धनात्मक हो और एक पूर्णांक ऋणात्मक हो तो उसे हमेशा 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 घटाते हैं, उसे हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं, और घटाने के बाद चिन्ह किसका रखते हैं, जो उसमें से बड़ा हो, जो उसमें से बड़ा हो। अब ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बताएं, मुझे नहीं समझ में आया क्या क्या आपने बता दिया। चलो मैं क्या करता हूँ ना, एक एक उदाहरण कराता हूँ सारे पे, एक एक सारे पे उदाहरण कराता हूँ, फिर आपको उदाहरण के जरिए समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं उदाहरण करा दूंगा तब आप इसमें हम लोग इस पे फिर जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैं क्या बता रहा था। ठीक है, चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चारों में डबल टाइप कर दो। चलो ले लिए, चलो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, दो पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो हम लोग उसके जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद चिन्ह किसका होता है, वही पूर्णांक का होता है। चलो इस पर आ जाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आप इसको जोड़ो, पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पर जोड़ो, इसको क्या होगा जल्दी बताएंगे सर, बच्चे क्या होगा जोड़ेंगे सर। सबसे पहला उदाहरण 10 जोड़ 5 क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा 50। 50 कैसे मिलेगा, 10 जोड़ 5 जोड़ना है, जोड़ना है ना कि गुना करना है, ध्यान दीजिए जोड़ना है, क्या मिलेगा 15। गुना नहीं करना है, 10 गुने 5 रहता तब वो 50 मिलता, ये इसको जोड़ना है, ध्यान दीजिए क्या करना है जोड़ना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे जोर का चिन्ह, ठीक है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे भी जोर का चिन्ह, यानी दोनों का चिन्ह कैसा है, दोनों का चिन्ह समान है, इसका भी चिन्ह जोर, इसका भी जोर, चिन्ह क्या है जोर। अगर दोनों का चिन्ह जोर का है, एक ही चिन्ह वाले हैं, तो क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, 10 को 5 से जोड़ तो 10 5 15 हो गया, और चिन्ह इसका है कौन सा लगेगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनो, दोनों का चिन्ह अगर समान हो तो जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो पूर्णांक का चिन्ह है, तो पूर्णांक के कौन सा चिन्ह है, पूर्णांक का चिन्ह है प्लस का, इसका कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर दोनों का चिन्ह समान हो तो उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो पूर्णांक का चिन्ह हो, तो 10 का चिन्ह क्या है प्लस का है, 5 का भी चिन्ह क्या है प्लस का ही है, तो इसे हमने जोड़ के प्लस कर दिया है ना। ठीक, उसी बात सर, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे, 2 का आंसर कितना होगा, ध्यान से उत्तर करेंगे, 2 का ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे, ध्यान से उत्तर कीजिए ध्यान से। चलो मैं बताता हूँ, बहुत बच्चे इसका उत्तर गलत कर रहे हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या आना चाहिए आपके मन में, कि -10 का भी चिन्ह माइनस का है, -5 का भी चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, अब इसे जोड़ना है ना कि गुना करना है, ये बच्चे बहुत यहाँ गलत कर रहे हैं। देखो बाबू, मैं गुना करता तो माइनस का गुना माइनस का करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ना है, और अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है ना कि गुना करना है, जोड़ना है ना कि गुना करना है। चलो अब इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था, इसमें मैंने आपको ये ट्रिक सिखाया है, इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया, इसमें मैंने आपको ये ट्रिक सिखाया है कि जब एक जैसे चिन्ह, ये एक जैसे चिन्ह है तो इसको जोड़ दो, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ दो, 10 को 5 से जोड़ेंगे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ से समझ में गया, अगर एक जैसे चिन्ह आएगा तो 10 को 5 से जोड़ दो कितना आएगा 15। अब रही बात की इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब एक समान चिन्ह रहते हैं उसको जोड़ते हैं, बाकी जो चिन्ह है जो लाना है कौन सा चिन्ह होगा, तो क्या करेंगे जो पूर्णांक के आगे हो, पूर्णांक के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसका कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करके चलो इसको बताता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि दोनों का चिन्ह समान है तो सिंपली जोड़ दो, दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ दो, 10 5 15। अब रही बात किसका है, कौन सा चिन्ह आएगा, तो जो पूर्णांक के सामने चिन्ह है, पूर्णांक के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस को जोड़ दिए। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक यहाँ पर और प्रश्न कर लेते हैं, -60 जोड़ -10। अब बताओ सर बच्चे, -60 जोड़ -10 क्या आएगा हमारे पास, क्या मिलेगा हमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो दोनों का चिन्ह समान, दोनों का चिन्ह समान जोड़ दिए, 70 हो गया। अब रही बात इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जो पूर्णांक क्या लगा है, पूर्णांक क्या कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस लिख दिए है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार सर्वोच्च बताएंगे, चलो ये प्रश्न बताएं, +60 जोड़ +10। अब बताएं सर बच्चे, +60 जोड़ +10। अब बताएं सर बच्चे क्या आंसर क्या आएगा हमारे पास, +70। बहुत बढ़िया बोलते, क्यों, देखो दोनों का चिन्ह समान है,
दोनों का चिन्ह समान है, सिंपली क्या करो जोड़ दो, 60 को 10 से जोड़ो 70 हो गया। अब रही बात इसका है, कौन सा चिन्ह रहेगा जो पूर्णांक के आगे है, पूर्णांक के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लिख दे यहाँ पे प्लस 70। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो ये था आपका, ये प्रश्न जो था, ये प्रश्न था आपका एक जैसे चिन्ह वाले, ये कैसे था, एक जैसे चिन्ह वाले, समान चिन्ह वाले, कैसे था ये, समान चिन्ह वाले। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये किस प्रकार का प्रश्न था, ये प्रश्न था आपका समान चिन्ह वाले। जल्दी सब इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, ये प्रश्न था समान चिन्ह वाले। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो नीचे वाले प्रश्न है ये प्रश्न है आपके असमान चिन्ह के, कैसे प्रश्न है ये, असमान चिन्ह के, है ना। क्यों देखो, ध्यान दो, ये जो है देखो ये क्या है, माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, ये क्या है, माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दो, ध्यान से देखोगे सर बच्चे, असमान चिन्ह में क्या होता है, असमान चिन्ह में क्या होता है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं, घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने के जगह पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बताओ 10 में से 5 गया क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 10 में से 5 गया क्या मिलेगा हमें, घटाएंगे। तो चलो असमान चिन्ह में सबसे पहला काम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी चलो यहाँ पे लिखना है घटाना, सबसे पहले क्या काम करना है, घटाना। और दूसरा चिन्ह क्या लगाना है, चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ा वाला पूर्णांक का होगा, बड़ा वाला चिन्ह, बड़ा वाला पूर्णांक का चिन्ह, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा वाला पूर्णांक का चिन्ह, बड़ा वाला पूर्णांक का चिन्ह, पहले क्या करना है, घटाना है, फिर चिन्ह किसका लगाना है, बड़ा वाला पूर्णांक का। तो यहाँ बड़ा वाला पूर्णांक कौन सा है, मतलब यहाँ पूर्णांक कौन सा है, बड़ा वाला माइनस का है, 10 का, बड़ा वाला संख्या, बड़ा वाला पूर्णांक मत बोलिए, बड़ा वाला संख्या का, बड़ा वाला संख्या का लगाना है, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लगाना है, बड़ा वाला संख्या कौन सा है, यहाँ पे 10 है, ये बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, बड़ा वाला चिन्ह क्या है, आगे क्या है, माइनस कर देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार चलो इस प्रश्न बताएं सर बच्चे, ये प्रश्न बताएंगे, 10 को जोड़ना है माइनस 5, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 10 को जोड़ना है माइनस, ध्यान से करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे, 10 को जोड़ना है माइनस 5 के साथ, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, ध्यान से उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया बताएंगे, असमान चिन्ह पहले घटा दो, असमान चिन्ह एक प्लस में एक माइनस में, घटा दो, 10 में से 5 गया 5। इसके बाद क्या करना है, कौन सा चिन्ह लगाना है, जो बड़ा वाला संख्या होगा, इसमें बड़ा वाला संख्या क्या है, 10 है, और 10 का कौन सा चिन्ह है, 10 का क्या, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, है ना, सिंपली। चलो इसी प्रकार एक प्रश्न मैं यहाँ पर और पूछ लेता हूँ, चलो ठीक है, 70 प्लस माइनस 80, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, जल्दी सर बच्चे, 70 प्लस माइनस 80, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, सिंपली घटा दो, जो बराबर तो उसमें घटा दो, 80 में से 70 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब रही बात इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, जो बड़ा वाला संख्या का आगे है, तो बड़ा वाला संख्या कौन सा था, 80, 80 का कौन सा चिन्ह, 80 का है माइनस का चिन्ह, यहाँ रख देंगे माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10। समझ में आ गया, जल्द आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, समझ में आ गया ना। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न और कर लेते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे एक प्रश्न और कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया ना, यानी एक जैसे चिन्ह रहेगा, यानी अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमें क्या करना है, अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमें हमेशा हमेशा जोड़ना होता है, अगर एक जैसे चिन्ह नहीं होते हैं तो हमें घटाना होता है। बहुत ही सरल भाषा में याद रख लीजिए कि अगर एक जैसे चिन्ह होगा तो हमें जोड़ना है, अगर एक जैसे चिन्ह नहीं होगा तो हमें हमेशा घटाना है, अगर एक जैसे चिन्ह होगा तो हमें हमेशा जोड़ना है, अगर एक जैसे चिन्ह होगा तो हमें हमेशा घटाना है, है ना। चलो एक प्रश्न यहाँ पे बताइए, सारे बच्चे बताएंगे, माइनस 10 जोड़ 5, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चलो जल्दी बताएंगे, देखो ये एक जैसे चिन्ह नहीं है, ये एक जैसे चिन्ह नहीं है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे इसका उत्तर कितना होगा, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह में पहले क्या करना है, घटाना रहता है, क्या करना है, घटाना रहता है, तो घटाओ, देखो 10 में से 5 घटा तो 5 हो गया, और इसका चिन्ह कौन लगाएगा, जो बड़ा वाला संख्या, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस 5, है ना। चलो ठीक, उसी पर एक प्रश्न और कर लेते हैं, प्लस 70 जोड़ माइनस 90, अब बताओ सर बच्चे क्या होगा, असमान चिन्ह में घटानी होती है, असमान चिन्ह में घटानी होती है, तो देखो यह असमान चिन्ह है, ध्यान से करेंगे उत्तर, ध्यान से, 70 है और 90 है,
असमान चिन्ह है देखो 70 है 90, 90 से घटा तो 70 20 हो जाएगा। अब रही बात चिन्ह कौन सा रहेगा जो हमारा बड़ा वाला संख्या के सामने, बड़ा वाला संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस 20 हो जाएगा, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस प्रकार आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। आपको दो चीजें याद रखना है, कौन कौन सी चीजें याद रखना है, पहला एक जैसे चिन्ह होगा जोड़ देना है, दूसरा अगर एक जैसे चिन्ह नहीं होगा घटा देना है, और बड़ा वाला संख्या का चिन्ह डाल देना है। बहुत ही सरल कंसेप्ट में आपको समझा दिया, अगर एक जैसे चिन्ह होगा सिंपली जोड़ दीजिए और जो पूर्णांक का चिन्ह है उसको रख दीजिए, अगर एक जैसे चिन्ह नहीं है तो उसको घटा दीजिए, जो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह है उसके आगे रख दीजिए, ठीक है। चलो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। चलो ध्यान देंगे, क्या प्रश्न है, -68 जोड़ -90, बहुत ही सरल प्रश्न है, एक जैसे चिन्ह वाले प्रश्न है, चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से उत्तर कीजिए। चलो आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए लेकिन उत्तर सही आना चाहिए सारे बच्चों का, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर आप लोग सही कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 18 बच्चों में से 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 10 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, है ना। चलो एक जैसे चिन्ह वाले हैं, दोनों माइनस माइनस वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 18 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे, 14 बच्चों ने कर लिया, बाकी बच्चे करेंगे लास्ट 30 सेकेंड, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे इसका लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए, सारे बच्चे उत्तर करेंगे इसका लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं किया है पोल सेक्शन में, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे लास्ट 150। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपको माइक ऑन करके नहीं बताऊं, मुझे पता है कि आप लोगों ने सही किया है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आपने उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो यहाँ पे देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, एक ही जैसे चिन्ह है, अगर एक ही जैसे चिन्ह है तो सिंपली हम इसके अंक को जोड़ते हैं, तो 68 को क्या करो 90 के साथ जोड़ दो, ये हो गया 8 9 6 15, जोड़ दिया सिंपली, देखो एक ही जैसे चिन्ह होगा जोड़ दो सिंपली, जोड़ दिया 158। अब रही बात की इसके आगे माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह, तो मैंने बताया कि अगर एक ही जैसे चिन्ह होते हैं इनको जोड़ दो, जिन चिन्ह वाले को जोड़ा है उसी को आप लगा दो, जैसे कि कौन से चिन्ह वाले को जोड़े हैं हम लोग, माइनस वाले चिन्ह, पूर्णांक का चिन्ह कौन सा है, पूर्णांक का चिन्ह है देखो माइनस, इसलिए पूर्णांक का कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है, अगर एक ही जैसे चिन्ह वाले अंक का जोड़ होता है तो सिंपली हमें जो जो अंक दिए उसको जोड़ दो, एक 68 और क्या 90, सिंपली जोड़ देते हैं 68 को 90 के साथ जोड़ दो, ये हो गया 8 9 6 15, कितना गया 158 आ गया। अब रही बात कि इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा या माइनस का चिन्ह रहेगा, तो हम क्या करते हैं ध्यान से सुनेंगे, क्या करते हैं ध्यान देंगे, तो जो पूर्णांक के सामने चिन्ह रहता है वही लगा देते हैं, इस पूर्णांक के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का है, तो माइनस लगा दिए, तो कौन सा उत्तर सही होगा माइनस 158।
जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट था ना, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को करना है। कहां पे? पोल सेक्शन में। ठीक है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए, ध्यान से उत्तर कीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपके अलग अलग चिन्ह वाले हैं, असमान चिन्ह वाले, एक जैसे चिन्ह वाले नहीं है, अलग अलग चिन्ह वाले प्रश्न है, है ना। चलो जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी करेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी करेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो माइनस आराम से फर्स्ट टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए। लास्ट डेढ़ मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से बहुत बढ़िया। देखो अलग अलग चिन्ह होते हैं, ठीक है, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, मुझे पता है आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जिन बच्चों ने मेरे अधिकतर बच्चों ने उत्तर सही किया, लेकिन वो बच्चे माइक ऑन करके नहीं बता रहे हैं ना, आपको भी माइक ऑन करके नहीं बतानी है। ठीक है ठीक है, आपने फोर्थ सेक्शन में उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। आपने फोर्थ सेक्शन में उत्तर किया, सुनील सैनी नाम से जो बच्चे जान के आपने फोर्थ सेक्शन में उत्तर कर दिया ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 18 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर फोर्थ सेक्शन में कर दिया, 13 बच्चों ने कर दिया। ठीक है चलो, बाकी बच्चे भी करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है ठीक है ठीक है, जब भी अलग अलग चिन्ह वाले अंक होते हैं उनको जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको घटाते हैं, फिर चिन्ह कौन सा लगाते हैं, जो बड़ा वाला संख्या का सामने चिन्ह होता है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट, चलो इसमें अच्छे से लिख भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या प्रश्न है? -217 जोड़ 100, अलग अलग चिन्ह वाले हैं। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में करेंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अलग अलग चिन्ह वाले होंगे उसको हमें पहले घटाना होता है। देखो ये माइनस वाले हैं और ये प्लस वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 217 में से पहले घटा दो, 217 में से 100 को घटा दो, कितना आएगा, चलो देखते हैं। 7 एक का 1, 2 में से गया 1, कितना आएगा 117। जब भी अलग अलग, चलो यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, अलग चिन्ह का होगा तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है घटाना, और वही सेम चिन्ह क्या होगा, एक ही जैसे चिन्ह का होगा, सबसे पहले क्या काम करना है, जोड़ना। इस बात को ध्यान दीजिए, अलग चिन्ह का होगा तो पहले घटाएंगे, एक ही जैसे चिन्ह का होगा तो पहले जोड़ेंगे। तो अलग चिन्ह का था तो मैंने पहले घटा दिया, देखो मैंने पहले घटाया, कितना आया 117 आया। अब रही बात कि इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो जो संख्या बड़ी होती है, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 217 बड़ी है, तो 217 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने वाला चिन्ह लगा देते हैं। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो आगे समझ में, चलो ठीक, उसी प्रकार इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। अगर आपको पिछला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर एकदम सही करोगे। ठीक है, जल्दी करोगे सर इस प्रश्न का उत्तर, और इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। आराम से सरलता पूर्वक पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए, है ना। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी से उत्तर करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए सर बच्चे, ध्यान देंगे। अलग अलग चिन्ह वाला है, अलग अलग चिन्ह वाले हैं, ध्यान देंगे। आपको नहीं बोलना है, अलग अलग चिन्ह करना, ध्यान से करेंगे, देखो आप गलती भी बोल रहे हैं। ठीक है,
चलो ध्यान से स्पष्ट उत्तर करेंगे। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो पहले घटाते हैं, फिर जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलो अलग अलग संख्या अलग अलग चिन्ह वाले जो होते हैं उसको क्या करते हैं, पहले घटाते हैं फिर जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हैं। चलो इसमें थोड़ा आपको थोड़ा बड़ा सा लिख के दिखाता हूं, ठीक है। चलो यह है 110 जोड़ क्या है माइनस 100। तो सबसे पहला प्रश्न आता है आपको मन में ये आना चाहिए कि 110 बड़ा होता है 100 से, ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। 110 जो बड़ा होता है 100 से, ये आपके मन में रहेगा तब आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाओगे, है ना। चलो 18 बच्चों में से 12 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। सुनील सैनी नाम से बच्चा जो ज्वाइन किया, अगर आप आगे से पोल सेक्शन में इसमें माइक ऑन करोगे मैं वो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ध्यान दीजिएगा। पोल सेक्शन में नहीं माइक ऑन करना, अगर आपको डाउट होता है तभी माइक ऑन कीजिए, क्योंकि अगर आप उत्तर बताने के लिए माइक ऑन करोगे तो बाकी बच्चे भी उत्तर दे रहे हैं वो भी माइक ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी अच्छा बच्चे बनना है, आपको भी अपना माइक ऑन नहीं करना है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, जल्द जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखो यहाँ पे क्या है असमान चिन्ह, देखो इस बार कौन सा चिन्ह, कोई चिन्ह है क्या, प्लस का चिन्ह है, इस बार कौन सा चिन्ह, इस बार है माइनस चिन्ह। देखो असमान चिन्ह का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। कभी भी अगर असमान चिन्ह अलग अलग चिन्ह आते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उससे घटाते हैं, अलग अलग चिन्ह आएगा तो क्या करेंगे, चलो यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, अलग चिन्ह असमान चिन्ह होगा तो सबसे पहले काम क्या है घटाना। चलो घटाते हैं, कौन सा संख्या बड़ा है 110 बड़ा है, तो चलो 110 में से घटाएंगे 100 को, तो घटा दें 110 में 100 घटाएंगे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो हम लिख दिए यहाँ पे 10। अब बताओ इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो संख्या बड़ी होती है, कौन संख्या बड़ी है 110 या 100, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चार बॉक्स में, 110 संख्या बड़ी है कि 100 संख्या बड़ी है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चार बॉक्स में, 110 बड़ी है, और 110 का कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, इसका कौन सा चिन्ह रहता है प्लस का, तो कौन सा हो गया प्लस का चिन्ह, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अब प्लस 10 को हम लोग सिंपली 10 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गया होगा, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तब जल्द से स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्लू टाइप कर दीजिए, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्लू टाइप कर दीजिए, अगले समझ में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर समझ में, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आज की क्लास में यहाँ तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं,